हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? फ्लेवर फेस्ट विद दिया के व्यूअर्स, आज बनाते हैं सेव भाजी की सब्जी। प्याज को चॉप कर लिया, टमाटर और हरी मिर्च को चॉप कर लिया, कुकर में डाला शुद्ध सरसों का तेल और दही को थोड़ा फेंट लिया, तेल में जीरा डाल दिया। जब तक जीरा फ्राई हो रहा है, हम आते हैं दही पे। इसमें डालेंगे लाल मिर्च एक चम्मच और एक चम्मच देगी मिर्च कलर के लिए, दो चम्मच इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया और एक डेढ़ चम्मच हल्दी, हल्दी भी होती है हल्दी, और डालेंगे एक चम्मच नमक। अब ये जीरा तैयार है, इसमें डाल दिया चॉप किया हुआ प्याज। अच्छे से साफ कर लेंगे डोंगे को, प्याज को मिलाएंगे लाइट ब्राउन होने तक, और जो प्याज है वो हमारा भुन रहा है, तब तक आप वीडियो अपने दोस्तों तक फटाफट से शेयर कर दो, लाइक का बटन दबा दो। इधर हम दही का जो मसाला था इसे अच्छे से फेंट लेंगे, मिला लेंगे, और एक शानदार मसाला तैयार है। जब इसमें प्याज फ्राई हो जाएगी तो डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च को जो हमने चॉप किया था, और इसे भी अच्छे से पकाएंगे। टमाटर बाद में डालते हैं क्योंकि प्याज पहले फ्राई करना ज़रूरी है। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे अच्छे से पकने के लिए। अब दही फूल के तैयार है मसाले के साथ। इसको अच्छे से साफ करके डाल लेंगे, इसमें ज़रूरत पड़े तो थोड़ा पानी भी ले लें, और अच्छे से हिलाइए तब तक ये मसाला प्याज और टमाटर में ना अच्छे से चला जाए। थोड़ा सा पानी डाल दिया, भाप से भी मसाला पकेगा और वैसे तो पक ही रहा है। जब तक आप सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है राइट साइड में, उस पर क्लिक कर लें और बेल आइकन दबा लें। और अब ये पानी डाल के कुकर को ढक दिया था, और ये देखिए मज़ेदार ग्रेवी तैयार है। अब ये डालेंगे बाजार से लाई हुई सेव। आप अगर बाजार में जाएं तो बोल दें कि सब्जी वाली जो भुजिया होती है वो दे दे, या सेव भाजी वाली सेव दे दे, और इस उबलते पानी में एक बॉयल दे के बस कर देंगे गैस को बंद, और सब्जी हमारी तैयार है। थोड़ा सा ऊपर से खुशबूदार धनिया डाल देंगे और मिलाएंगे और एंजॉय करेंगे ये डिलीशियस सब्जी। हम तो जा रहे हैं खाने, आप भी बनाइए फ्रेश इंस्टेंट सब्जी। होटल पे भी लेते हैं तो ये फ्रेश ही मिलती है, क्योंकि ये तुरंत बनानी पड़ती है और थोड़ा पानी ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद अगर खाएंगे तो ये पानी पी जाएंगी। ये देखिए सब्जी तैयार है, खाने वाले भी तैयार हैं। हम तो चले, आप तब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे दोस्तों।